फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स करंट अफेयर 2017 दिसंबर फर्स्ट वीक इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 7 दिसंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर कवर अप किया गया है और ये वीडियो हिंदी में है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा। साथ में फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि और अच्छे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब देखते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज, उसके बाद चलेंगे नेशनल की तरफ, फिर ट्रेड एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, सभी कुछ हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ सोवरेन क्रिप्टो करेंसी पेट्रो। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने लॉन्च करने को लेकर बात करी गई है एक क्रिप्टो करेंसी, कौन सी? पेट्रो। ओके, अब क्रिप्टो करेंसीज तो एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू बन चुका है। काफ़ी टाइम पहले मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था बिटकॉइन का। दुनिया में सबसे फेमस जो क्रिप्टो करेंसी वो बिटकॉइन है। ओके, और वैसे ही उसी की तर्ज पे एक कंट्री ने पेट्रो एक क्रिप्टो करेंसी को भी अनाउंस करा है लॉन्च करने को लेकर। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? ये है वेनेजुएला। ठीक है, तो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे क्रिप्टो करेंसी पेट्रो, ताकि जो US ने जो उनके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन लगा रखे हैं उसका उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। ओके, और आजकल जैसा कि डिजिटल करेंसी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, काफ़ी इमर्जिंग हो रही है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब देखिए वेनेजुएला क्या है, साउथ अमेरिका के अंदर नेशन है। निकोलस मादुरो वहाँ के प्रेसिडेंट है, कारकस वहाँ की कैपिटल है और बोलीविया वहाँ की क्या है, करेंसी है बोलीवर। ओके, बोलीवर वहाँ की करेंसी है। साथ में बिटकॉइन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है वर्ल्ड वाइड, एक पेमेंट सिस्टम बन चुका है। देखिए ये क्या है, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो कि पीयर टू पीयर काम करती है, यानी कि इसके अंदर कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं होता है। ओके, और ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड कैसे होते हैं? नेटवर्क नोड से इसमें ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होते हैं, नेटवर्क नोड से। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं। तो इनमें से कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो बिटकॉइन के बारे में आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। कुछ एक अननोन इन्वेंटर हैं इसके, कुछ एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनको किस नाम से जाना जाता है, ताशोही नाकामोटो, नाकामोटो इस नाम से जाना जाता है इसके ओरिजिन को। 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था और शुरू में जब इसको डिज़ाइन करे गए थे वो कैसे किए जाते हैं, माइनिंग के द्वारा इसको डिज़ाइन किए जाते हैं। ओके, अदर करेंसीज के साथ में, प्रोडक्ट्स के साथ में इसको एक्सचेंज किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो है आज अब बिटकॉइन के अंदर जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट करने लगी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, HP, ये सभी एक्सेप्ट करने लगी है। 2015 तक तो देखिए सिर्फ 1 लाख मर्चेंट वेंडर थे इसके, लेकिन अब बात करें तो 2017 तक तो मिलियंस ऑफ इनके पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले वेंडर्स बन चुके हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और 1 रुपये की जो वैल्यू है, यानी कि 1 बिटकॉइन की अगर हम वैल्यू रुपीज़ में देखें तो नियर बाय 11 लाख रुपए 1 बिटकॉइन के इक्वलेंट हो चुका है। ठीक है, किसी टाइम पे सिर्फ कुछ हज़ारों में था, लेकिन आज की बात करें तो 1 बिटकॉइन अगर आपके पास में है तो इसका मतलब आपके पास में 11 लाख रुपए हैं, इट इज़ इक्वलेंट टू द 11 लाख रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंडर कैटेगरी बी। तो कौन सा देश को वापस से रिलेक्ट किया गया है, किसके अंदर? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैटेगरी बी के अंदर। तो देखिए भारत को वापस से रीलाइट कर लिया गया है काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब देखिए बात करते हैं अगर IMO के बारे में, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन के अंदर है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके हेड कौन है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन है, किटैक लिम इसके हेड है। और इसको 1948 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था। ठीक है, जितने भी शिपिंग से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, रेगुलेशन है, वो ये सभी देखता है। अब इंडिया को वापस से रिलेक्ट किया गया है इस काउंसिल के अंदर और 2nd नंबर ऑफ हाईएस्ट वोट इंडिया को ही मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ई यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCO समिट 2017 कहाँ हुआ है? SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है रशिया के अंदर। तो आपको यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, सोची। सोची कहाँ पर है? रशिया के अंदर है, यहाँ पे समिट हुआ है SCO का। ओके, और यहाँ पे काफ़ी बातचीत करी गई इंडिया की तरफ से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी वहाँ पे समिट में पहुँची थी। साथ में SCO के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2001 के अंदर शंघाई के अंदर इसको बनाया गया था, चाइना ने ही इसको बनाया था।
उस टाइम पे चाइना, कजाकिस्तान, कारिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन पांच लोगों ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। और 2003 से इसको फोर्स में लाया गया। उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसको एज ए फुल मेंबर ज्वाइन कर लिया था अभी 2017 के अंदर ही, अस्थाना के अंदर, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? राशिद, इसके सेक्रेटरी जनरल है राशिद अलीमोव, ये इसके सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है, ये कौन से देश के अंदर लोकेटेड है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी बार हम इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है ये जानना जरूरी है, क्योंकि क्या हुआ है कि फर्स्ट फेज जो है चाबहार पोर्ट का वो इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली, ठीक है। यहाँ पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है चाबहार पोर्ट के अंदर, जैसे कि ग्वादर पोर्ट के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है जो कि पाकिस्तान के अंदर है, वैसे ही चाबहार पोर्ट जो कि कहाँ पर है, ईरान के अंदर है, ठीक है, ईरान के अंदर है, उसमें इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो फर्स्ट फेज इसका स्टार्ट हो चुका है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, उन्होंने उनकी प्रेजेंस में, इंडिया अफगानिस्तान के ऑफिसर्स की प्रेजेंस में उन्होंने इसको इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट क्योंकि स्ट्रैटेजिक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये तो ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, ये वाला पाकिस्तान वाला जहाँ पे चाइना ने अपना पोर्ट बनाया है। अब देखिए इंडिया क्या कर सकता है, चाबहार पोर्ट से ईरान के रास्ते अफगानिस्तान हुआ, यूरोप हुआ, इसके रास्ते कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकता है। पहले इंडिया को पाकिस्तान के वाया होके एक्सपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब देखिए डायरेक्टली इंडिया क्या कर सकता है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, यहाँ पर डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकता है। तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके, और इसीलिए इंडिया ने इसको पीछे ही पाकिस्तान के, ओके, जस्ट पाकिस्तान के पीछे ही इस पोर्ट को बनाया। और इन फ्यूचर अगर चाइना से कोई कन्फ्लिक्ट भी होती तब भी ये भारत के लिए बहुत काम की चीज़ है, ओके। तो ऐसे पोर्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही चाइना ने देखिए पाकिस्तान में कर लिया है, दीजावती में कर लिया है, श्रीलंका में हबन डोटवा में इनकी बात चल रही है, वैसे ही यहाँ पे भी बात चल रही है। तो इस तरीके से चारों तरफ चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है अपने पोर्ट बना के। हालांकि दो तीन जगह तो वो सक्सेसफुल भी हो गया, दीजावती में और पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन विच कंट्री इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड। तो कौन से देश के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर? अब देखिए ये कहाँ पे हुई है, ये नेपाल के अंदर हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, नेपाल होगा। और नेपाल के जो प्रेसिडेंट है बिंदिया देवी भंडारी, उन्होंने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हिंदू कुश के अंदर, ठीक है, जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उन सभी को वहाँ पर दिखाया गया। नियर बाय 300 एक्सपर्ट आ रहे हैं डिफरेंट देशों के इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इंडिया की तरफ से जो वी के सारस्वत है, नीति फाउंडेशन के जो मेंबर हैं, ठीक है, उन्होंने इंडियन डेलीगेशन को वहाँ पे लीड किया। साथ में नेपाल के बारे में तो आपको पता है, ये लैंडलॉक्ड सेंट्रल हिमालय कंट्री साउथ एशिया के अंदर। शेर बहादुर वहाँ के पीएम है, काठमांडू कैपिटल है और रुपी वहाँ की करेंसी है, ठीक है। एक रुपया इज इक्वल्स टू 1.60 नेपाली रुपीज, ठीक है, ये डिफरेंस है करेंसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस दैट द यूएस विल रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैपिटल। आसान सा सवाल है, जेरूसलम के बारे में आप सभी को पता है, यूएस ने कहा है कि वो रिकॉग्नाइज करेगा जेरूसलम को एज ए इसराइल की कैपिटल। अब ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है, इसराइल वाला, जेरूसलम वाला, ओके। जेरूसलम को लेके पैलेस्तीन और इसराइल के अंदर काफ़ी टाइम से टसल चल रही है, और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा वोट करते हुए कहा है कि हम क्या करेंगे, जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल रिकॉग्नाइज करेंगे। हालांकि जो ईस्ट जेरूसलम है वो कैपिटल मानते हैं पैलेस्तीन के लोग, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी टसल रही है, और इसराइल के बारे में आपको पता ही होगा, मिडिल ईस्ट नेशन है, ठीक है, मेडिटेरियन सी, रेड सी, ओके, लेबनान, जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप, इन सभी के पास में है, इजिप्ट, इन सभी के बॉर्डर नेशन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ का जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम क्या है, टेल अवीव, ठीक है, टेल अवीव वहाँ का टेक्नोलॉजी सेंटर है। दुनिया में स्टार्टअप्स की या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसराइल काफ़ी ऊपर आता है, उन्होंने पूरा का पूरा एक टेक्नोलॉजी सेंटर बना रखा है जहाँ पर काफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स और वहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पर 74% जो पॉपुलेशन है वो ज्यूविश लोगों की है, उसके बाद में अरब लोग हैं, उसके बाद में बाकी अलग लोग हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, रिवलिन वहाँ के प्रेसिडेंट है राइट नाउ, ठीक है। और वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू, वो वहाँ के कौन है, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, वो वहाँ के पीएम है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नेशनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट संस्कृत 3D फिल्म।
तो दुनिया की पहली संस्कृत 3D फिल्म कौन सी है ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस रही है, अभी कुछ टाइम पहले ही IIFI के अंदर भी इसको इनॉग्रेट स्क्रीन किया गया था, ठीक है, और इसका नाम है अनुकृति। दुनिया की पहली संस्कृत 3D फिल्म अनुकृति मेन अट्रैक्शन रही 3D कैटेगरी के अंदर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि गोवा में होता है। ओके, अशोकन PK डायरेक्टेड फिल्म थ्रोन लाइट ऑन द एशियंट थियोरटिकल ट्रेडिशन ऑफ कुंदी आतम इन केरला। तो जो कुंदी आतम है केरला के अंदर ट्रेडिशन है उसको लेके इस फिल्म को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, अनुकृति आपका आंसर होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द जय किसान ऐप। तो जय किसान ऐप जो है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर केरला के बारे में जब बात करी गई है तो केरला के बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन और शेयर कर लेता हूँ मैं आपके सामने। केरला के जो CM है आपको पता होना चाहिए कौन है, पिनायारी विजयनन। ओके, विजयनन जी यहाँ के CM है। और गवर्नर कौन है, गवर्नर राइट नाउ सदाशिवम है। सदाशिवम पहले चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं सदाशिवम, और 1956 में केरला को स्टेटहुड एज ए रिकग्नाइज किया गया था। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, डिस्ट्रिक्ट कितने, 14 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने बात करी आपसे जय किसान ऐप के बारे में, तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, गोवा गवर्नमेंट है जिन्होंने क्या किया है। गोवा के CM कौन है, मनोहर पर्रिकर, उन्होंने लॉन्च किया है जय किसान ऐप, एक फार्मर एंगेजमेंट ऐप है। ओके, जो कि नीट पूरी करेगी फार्मर कम्युनिटी के इंडिया के अंदर फीचर्स और काफ़ी इसमें चीज़ें ऐसी इंक्लूड करी गई है, ठीक है। ये कुल मिला के एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करा गया है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन और कल्टिवेशन को लेकर, जहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन सीड्स डायग्नोस्टिक सर्विसेज सभी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज कराया गया है। देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, जो कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने इनॉग्रेट किया है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। और ये कहाँ पे कराया जाता है, ये नागालैंड के अंदर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है नागालैंड के अंदर, और इसे कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी इसे कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किसे कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है नागा कल्चर, यहाँ पे ट्रेडिशन काफ़ी यहाँ पे दिखाए जाते हैं, काफ़ी फेमस म्यूजिक डांस एंड फूड फेस्टिवल है। ओके, और यहाँ पे जो आपका आंसर क्या होगा, नागालैंड आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ब्लैकबक कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बनाया जा रहा है। इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व फॉर ब्लैकबक, अब मैंने आपको पहले भी बताया है ब्लैकबक को लेकर तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए ब्लैकबक जो सलमान खान का केस है वो तो जोधपुर में, अक्सर लोग इसको रिलेट कर लेते हैं बाकी चीज़ों से। जो ब्लैकबक नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। और ब्लैकबक कंजर्वेशन रिजर्व की बात की जाए तो ये कहाँ पे खुलाया जा बनाया जा रहा है, इलाहाबाद के अंदर बनाया जा रहा है, UP के अंदर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो डी इसका सही आंसर है, तो ब्लैकबक कंजर्वेशन रिजर्व इलाहाबाद में इसको ओपन किया जा रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप ग्रीन यूनिवर्सिटी। तो देश का पहला स्टेट जो कि ग्रीन यूनिवर्सिटी सेटअप कर रहा है, ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल है। तो आपका यहाँ पे आंसर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, वेस्ट बंगाल के असेंबली ने ग्रीन यूनिवर्सिटी बिल 2017 लेके आया है, जहाँ पे इन्वायरमेंट की स्टडीज़ कराई जाएगी। ओके, इन्वायरमेंटल स्टडी यूनिवर्सिटी बनाई गई है कुल मिला के, और वहाँ की CM कौन है अभी राइट नाउ आपको बताइए, ठीक है, ममता बनर्जी वहाँ की CM है। और वहाँ के गवर्नर कौन है, वहाँ के गवर्नर है केशरी नाथ त्रिपाठी, ये वहाँ के गवर्नर है, कोलकाता यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, सब चीज़ें आपको बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया का पहला बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। सबसे बड़ा देश का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही, और ये कहाँ पे ओपन किया गया है, इसको केरला में बनाया गया है, तो बी आपका सही आंसर है। केरला के जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है MM Mani, उन्होंने इनॉग्रेट किया है देश का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट। ओके, कहाँ पे, वाडियाड के अंदर, बानासुरा सागर डैम के अंदर, ओके, इन द वायनाड इन 4 दिसंबर, और ये नियर बाय 500 किलोवाट की कैपेसिटी है इस प्लांट की, और देश का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। कंस्ट्रक्ट किया है तिरुवनंतपुरम बेस्ड एडटेक सिस्टम ने, ठीक है, जो कि हर साल जनरेट करेगा 7 लाख यूनिट पर ईयर, कॉस्ट है नियर बाय 9 करोड़ की। ओके, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपके इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग रीजनल लेवल मरीन ऑयल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज हैज बीन कनेक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजनल लेवल मरीन
ऑयल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज। तो कौन सी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, जहाँ पे क्या किया गया है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो पूरी सी है, आसपास का जो एरिया है, ठीक है, ओशन का, उसको साफ किया गया है ताकि पॉल्यूशन से बचा सके, मरीन ऑयल पॉल्यूशन से बचा सके, ठीक है। अब इसका जो नाम रखा गया है वो आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है क्लीन सी 2017। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है इस रीजनल लेवल मरीन ऑयल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, जिसका नाम दिया गया है क्लीन सी 2017। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर पे। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, जो मरीन लाइफ है उसको हम जिंदा रखें, जो ऑयल स्पिल हुआ है उसको हम हटाएं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है। साथ में अंडमान एंड निकोबार के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, उम्मीद करता हूँ। और यहाँ देख सकते हैं आप अंडमान एंड निकोबार का पूरा मैप, जहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, पेपर कोई सा भी हो, सभी में ये बेसिक से सवाल है जो कि पेपर में आते रहते हैं। आपसे पूछते हैं कि जो सैडल पीक है ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ अंडमान के अंदर है। आपसे पूछ लेते हैं पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान। देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, उसके बाद में लिटिल अंडमान, उसके बाद में निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो ऐसे तीन पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, एक, दो और तीन। बीच के अंदर क्या है, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, पेपर में कई बार पूछ चुके हैं, ओके। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, साउथ अंडमान के अंदर इसकी कैपिटल है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपसे पेपर में पूछते रहते हैं। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो 345 आइलैंड्स मिलकर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बनाते हैं, ओके। एरिया की बात करें तो नियर बाय 8000 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है, ओके, और जिसमें से 6000 के आसपास तो अंडमान का है और 1500-2000 के आसपास निकोबार का है। सैडल पीक मैंने आपको बताया हाईएस्ट है नॉर्थ अंडमान आइलैंड के अंदर, ठीक है। और ग्रेट अंडमान आइलैंड की कौन सी है, माउंट थुइलियर, ये ग्रेट अंडमान की है हाईएस्ट पीक, ओके। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन हैज मूव टूवर्ड्स महाराष्ट्र एंड गुजरात आफ्टर क्रॉसिंग लक्षद्वीप। तो कौन सा साइक्लोन है जो कि महाराष्ट्र गुजरात की तरफ बढ़ गया है लक्षद्वीप को क्रॉस करके। तो काफ़ी हॉटस्पॉट टॉपिक है अभी रिसेंटली है, इसके वजह से काफ़ी जो मौसम में बदलाव आए हैं, यहाँ तक कि इनफैक्ट राजस्थान के अंदर मौसम के अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं। और साइक्लोन का नाम क्या है, उखी इस साइक्लोन का नाम है, ओके। तो महाराष्ट्र गुजरात को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और यहाँ पे आपका आंसर होगा ए, ओखी। तो लक्षद्वीप को क्रॉस करने के बाद में जो ओखी है वो महाराष्ट्र गुजरात की तरफ मूव कर दिया है, ठीक है। श्रीलंका में इसने ट्रैवल किया, तमिलनाडु, केरला, और ऐसे करते करते अब ये गुजरात की तरफ पहुंच गया है। अब देखिए ओखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके करंट अफेयर से ओखी से रिलेटेड एक सवाल बन सकता है और इम्पॉर्टेंट भी, तो आपको जानना ज़रूरी है कि पहली बात तो ये एक ओखी जो है ना ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, जो कि कहाँ पर बना है, अरेबियन सी के अंदर। और 2015 के अंदर एक साइक्लोन था जिसका नाम था मेग, साइक्लोन मेग, उसके बाद, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन माना जाता है ये, ओके। और इसको लो प्रेशर एरिया के अंदर, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, गल्फ ऑफ थाईलैंड में, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में तो इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा सा मूव होते होते श्रीलंका पहुँचा, वहाँ पर इसने थोड़ा डिस्ट्रक्शन पहुँचाया, फिर कन्याकुमारी, केप कैमरिंग, और उसके बाद होते होते महाराष्ट्र और गुजरात भी ये पहुंच गया है, ठीक है। और ये अरेबियन सी में जब आया तो उसके बाद में ये सुपर साइक्लोन के उसने शक्ल ले ली। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट मैप है किस तरीके से ये मूव कर रहा है, श्रीलंका से करने के बाद में कोझिकोड के, कोची, अब ये देखिए ऐसे करते करते मुंबई और गुजरात का जो एरिया है ये, यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है इसके पहुँचने की और सुपर साइक्लोन बनने की, ठीक है। तो ये साइक्लोन ओखी है जो कि आप में पेपर में आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सरफेस टू एयर मिसाइल विद इंडिजीनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम चांदीपुर। तो चांदीपुर से कौन सी, ओके, मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि अभी लॉन्च करी गई है सक्सेसफुली और ये एक इंडिजीनियसली रेडियो फ्रिक्वेंसी में यूज करी गई है। तो देखिए इस मिसाइल का नाम है आकाश, सक्सेसफुल लॉन्च किया गया आकाश मिसाइल का। आकाश मिसाइल क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसमें इंडिजीनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पीकर भी लगाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आकाश होगा और इसे चांदीपुर से छोड़ा गया है। चांदीपुर कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इंक्लूडेड इन द नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। तो रिसेंटली क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है उसको NCR में इंक्लूड कर लिया गया है। NCR आपको पता ही है क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, जहाँ पर क्या होता है स्पेशल फंड्स मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए, किसके द्वारा, NCRPB के द्वारा, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन,
प्लानिंग बोर्ड के द्वारा क्या होता है, स्पेशल फंड मिलते हैं। अब NCR के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट टोटल है राइट नाउ, 22 डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। ओके, दिल्ली को हटा के, दिल्ली को अगर टोटल मिला के देखिए 23 है, इंक्लूड सबको कर लिया जाए तो, जिसमें से ओके 22 तो डिस्ट्रिक्ट है, 22 में से देखिए 13 तो कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, 7 यूपी के हैं और 2 किसके हैं, राजस्थान के हैं और 1 दिल्ली है ही, ठीक है। तो ऐसे कर करके 23 टोटल NCR के अंदर है, जिसमें से शामली डिस्ट्रिक्ट को अभी इंक्लूड किया गया है। शामली डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, यूपी का है। तो आपका आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको NCR के बारे में ध्यान रखनी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़। पहला सवाल है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट विच डिजीज US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अनाउंस $1 million टू हेल्प इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट द डिजीज। तो फ्रेंड्स कौन से डिजीज को लेकर, अवेयरनेस को लेकर US की एक एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ओके USAID, उसने अनाउंस किया कि वो $1 million भारत को मदद करेगा इस डिजीज से फाइट करने को लेकर। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा दुनिया में TB के जितने मरीज हैं उसके 1/4 मरीज तो सिर्फ इंडिया के अंदर है, इसलिए TB को अवेयरनेस को लेकर उन्होंने ये फंडिंग जारी करी है इंडिया के लेकर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो TB है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस को लेकर उन्होंने फाइट को लेकर इसको रिलीज किया है, साथ में TB के बारे में आपको पता ही होगा इन्फेक्शियस डिजीज है, इसके वजह से होता है माइक्रोबैक्टीरियम, ओके ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको MTB कहते हैं, इसके वजह से होता है, जो कि मेनली आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, बाद में फिर धीरे धीरे बाकी पार्ट्स को भी करता है। ज़्यादातर केसेस में सिम्टम्स नहीं आते हैं, जब नहीं आते हैं तो हम उसको कहते हैं लेटेंट TB, ठीक है। लेकिन 10% ऐसे भी केसेस होते हैं जो कि काफ़ी एक्टिव हो जाता है TB जहाँ पे, और फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ओके। TB कैसे स्प्रेड होता है, एयर के थ्रू होता है, जिन लोगों के एक्टिव TB होता है उनके लंग्स में, साथ में जो लेटेंट TB है वो स्प्रेड नहीं होता है डिजीज़ आपके एयर के थ्रू, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और जो HIV/AIDS से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको ज़्यादा पहले कैप्चर करता है ये डिजीज़, क्योंकि उनके जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कम होता है, जो स्मोक करते हैं उनको भी कैप्चर जल्दी कर लेता है। डायग्नोस करने के लिए चेस्ट का एक्सरे करवाना पड़ता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है बॉडी फ्लूइड का, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है TB से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नेगोशिएटेड विद द वर्ल्ड बैंक टू अवेल सब्सिडी टू बे 130 इलेक्ट्रिक बसेस। तो कौन सा स्टेट है जिसने नेगोशिएशन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ में ताकि वो सब्सिडी ले सके 130 इलेक्ट्रिक बसेस की। तो देखिए आने वाला जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक बसेस का ही है, क्योंकि बाकी जो बसेस है उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल है, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से सब्सिडी ली है 130 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने को लेकर। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो वेस्ट बंगाल है, और आपको ध्यान रखना है ये वर्ल्ड बैंक के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन कई बार हम डिस्कस कर भी चुके हैं, IBRD और IDA, ठीक है। वर्ल्ड बैंक दो बैंक को मिला के बनता है, IBRD और IDA। IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IBRD के 189 मेंबर्स हैं और IDA के कितने मेंबर हैं, 173 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कहाँ है, Washington DC में है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जिम योंग किम यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है जो रेटिंग एजेंसी, कौन सी रेटिंग एजेंसी ने अभी रिसेंटली GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो कम किया है 2017-18 का 6.7% उन्होंने किया है भारत को लेकर। तो देखिए ये जो 6.7 का जो प्रेडिक्शन है 2017-18 का, ओके ये किसने किया है, फिंच ने किया है। तो आपका यहाँ पे आंसर फिंच है। दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज है, उसमें से एक है फिंच, जैसे कि एक तो फिंच हो गई, दूसरा S&P हो गई स्टैंडर्ड एंड पुअर, और तीसरा मूडी हो गई, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं जो कि अपने ग्रोथ को फोरकास्ट करती है दुनिया के देशों की, और उन्होंने कम किया है अभी 6.7 किया है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड अ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सेविंग अकाउंट टारगेटिंग दोज हुज बेनिफिट डज नॉट परमिट देम टू एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेमेंट। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने एक नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सेविंग अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो कि इंटरेस्ट पेमेंट एक्सेप्ट करने की जिनको जरूरत नहीं है। तो देखिए फेडरल बैंक ने क्या किया है, ऑफर किया है सेविंग अकाउंट विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है। और फेडरल बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका कमर्शियल बैंक है मेजर प्राइवेट सेक्टर का, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोची के अंदर है, और पहले इसको ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। श्याम श्रीनिवासन इसके MD है, और 1931 में इस बैंक को फाउंड किया था। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, फेडरल बैंक है, उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट करी है जिसमें वो सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अप्रूव डेट फाइनेंसिंग एंड पार्शियल रिस्क गारंटी टू डेवलप रिलायंस पावर लिमिटेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल एंड 750 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। तो कौन सा बैंक है जिसने फाइनेंसिंग को राजी हुआ है
ठीक है, और रिस्क लेने को भी राजी हुआ है रिलायंस पावर लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल को लेकर और 750 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में उसको लेकर। तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है? एडीबी है। एडीबी ने लैंड किए हैं नियर बाय $600 मिलियन, ठीक है, रिलायंस पावर बांग्लादेश प्रोजेक्ट को। अब एडीबी के बारे में आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा। स्टार्ट कब किया गया था? 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ? मनीला में है। और इसका मोटिव क्या है? फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। 67 मेंबर कंट्रीज इसके वो है। और ताकाहिको नाकायो यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और शेयर की बात करें तो मैक्सिमम जापान और अमेरिका के पास है, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया, ठीक है। तो ये सब एडीबी के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसीव द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर CSR अवार्ड फॉर मल्टीपल इनिशिएटिव इंक्लूडिंग चैंपियंस ग्रीन फाइनेंस एज वेल एज द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो कौन से बैंक ने रिसीव किया है बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर CSR अवार्ड? ठीक है, CSR के बारे में आपको पता है। CSR क्या होता है फ्रेंड्स? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स देखिए, एक सेक्शन होता है आपका सेक्शन 135 किसका? कंपनीज एक्ट का, ठीक है। उसके तहत क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर उसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है या उसका जो टर्नओवर पूरे बिजनेस का 1000 करोड़ से ज़्यादा है या फिर उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको 2% अपने प्रॉफिट का कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लगाना ज़रूरी है, यानी कि कोई सोशल कॉज के अंदर। क्योंकि ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर किसी की भी कंपनी कोई बिजनेस कर रही है तो वो इंडिया के अंदर कर रही है, तो क्या कर रही है? वो इंडियंस के वजह से कर रही है, तो उनका फर्ज बनता है कि अगर वो इतना पैसा कमा रही है तो कुछ वापस से सोसाइटी को दे। इसीलिए ये 2% CSR रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और ये सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं, जो बाहर की कंपनी जो कि इंडिया में काम कर रही है और इतना पैसा कमा रही है उनके लिए भी है, ठीक है। और साथ में यस बैंक के साथ में ये यस बैंक को ये अवार्ड मिला है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी है। और यस बैंक के बारे में भी आपको पता होगा, यस बैंक को 2004 में स्टार्ट किया गया था राणा कपूर के द्वारा। राणा कपूर इसके CEO है और फाउंडर भी राणा कपूर है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, जैसे कि बाकी प्राइवेट बैंकें हैं, ठीक है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व बैंक ने ग्रोथ प्रोजेक्शन 2017-18 का क्या परसेंट क्या किया है, ठीक है। अब रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंगली देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी ना फाइनेंशियल ईयर 18 के अंदर वो क्या होगी? 6.7% होगी, ठीक है। तो देखिए 6.7% तो इनके अकॉर्डिंगली, और अगर बात करें किसके अलावा फिंच के अकॉर्डिंग तो इनका भी 6.7 है। तो फिंच और RBI दोनों ने 6.7 का प्रोजेक्शन दिया है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 6.7 है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें थी वो जो डिमोनेटाइजेशन के बाद में फैली हुई थी अब वो बैलेंस हो गई है, ओके। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 6.7 रेट रखी गई है। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली अपॉइंट करे गए हैं न्यू डायरेक्टर किसके? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, और साथ में चेयरमैन भी अपॉइंट करे गए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के। तो ये कौन से पर्सन करे गए हैं? अब देखिए एक ही पर्सन है SK84 जी, उनको क्या अपॉइंट किया गया है? डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, साथ में चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, यानी बोर्ड और साथ में फैक्ट्री दोनों का ही यही अपॉइंट करे गए हैं चेयरमैन और डायरेक्टर जनरल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या है? SK84, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन अपॉइंट करे गए हैं अभी रिसेंटली पब्लिक जो ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती उसके, तो उसके कौन अपॉइंट करे गए? सूर्य प्रकाश जी अपॉइंट करे गए हैं। तो आपका ए यहाँ पे सही आंसर, सूर्य प्रकाश जी को रीअपॉइंट किया गया है चेयरमैन किसके? प्रसार भारती के, ठीक है, ये सेकंड टर्म है उनका। और प्रसार भारती रन करती है दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ओके, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEO और MD कौन अपॉइंट करे गए हैं इन्फोसिस के? देखिए फ्रेंड्स, इन्फोसिस बहुत ही बड़ी कंपनी है, देश की एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि बिजनेस कंसल्टेंट प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्स करती है सर्विसेज को, ओके। अगर बात करें IT की तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है रेवेन्यू के हिसाब से, और दुनिया की IGS 596 लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी भी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। इसको 1981 में स्टार्ट किया गया था, कई सारे इसके फाउंडर्स हैं लेकिन जो मेजर नाम है वो नारायण मूर्ति, नंदन नीलकनी, गोपाल कृष्णन, ये काफ़ी फेमस नाम है जो कि इनके फाउंडर से जुड़े हुए हैं, ओके। ये सब इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, और इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है वो कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलोर के अंदर इनका हेडक्वार्टर है किसका? इन्फोसिस का। और रिसेंटली सलील पारिक जी को अपॉइंट किया गया है CEO और MD। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो बी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है। विशाल सिक्का जी जो थे, ठीक है, उनके पहले वो भी अपॉइंटेड थे, अब उनको कैसे इंटरिम CEO और MD की पोजीशन दी गई थी, उन्होंने स्टेप डाउन किया, और अभी रिसेंटली सलील पारिक जी को CEO अपॉइंट किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UN एनवायरमेंट
ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये ब्रिटिश सिंगर है इली, उनको अपॉइंट किया गया है एज ए यूएन एनवायरमेंट ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर है सी, इली गॉडलिंग, काफ़ी फेमस सिंगर है, सॉन्ग राइटर है ब्रिटिश की, उनको इस चीज़ के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर विल प्रमोट द गवर्नमेंट फ्लैगशिप एग्रीकल्चर स्कीम लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड एंड क्रॉप इंश्योरेंस। तो कौन से एक्टर हैं जो कि रिसेंटली जो कि अब गवर्नमेंट के क्या करेंगे, फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हैं जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड, क्रॉप इंश्योरेंस, इनको प्रमोट करेंगे, और भी कई सारी स्कीम्स को प्रमोट करेंगे जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ओके, वैसे कृषि विकास योजना, ऐसे जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं उनको प्रमोट करेंगे, और ऐसा करेंगे कौन, अक्षय कुमार, ठीक है। तो बी यहाँ पे आपका सही आंसर है, तो अक्षय कुमार आप प्रमोट करेंगे गवर्नमेंट के फ्लैगशिप एग्रीकल्चर स्कीम्स को जिसमें काफ़ी सारे इंक्लूडेड है। अब देखते हैं अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस सुपर नेचुरल 2017 किम को अवार्ड दिया गया है, यह है जेनी किम। तो आपका आंसर यहाँ पे बी सही आंसर है, जेनी किम को क्राउन किया गया है मिस सुपर नेचुरल 2017। ओके, इतना ही आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। साथ में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2017 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा? तो देखिए, जो वर्ड ऑफ द ईयर रखा गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, वो रखा गया है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई पॉलिटिकल आइडियाज एक्टिविटीज जो कि जिसको लेकर काफ़ी सपोर्ट मिले ऑर्डिनरी पीपल का, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी को मिलता है, ठीक है, तो उसको पॉपुलिज्म कहते हैं। तो ये वर्ड जो है ना, ये बना है वर्ड ऑफ द ईयर 2017 बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी। साथ में आपको बताना है बेस्ट फिल्म क्रिटिक अवार्ड, ओके, एनुअल फिल्म अवार्ड जो है स्टार स्क्रीन अवार्ड। देखिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो नेशनल अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, नेशनल अवार्ड और साथ में फिल्म फेयर अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, ये तीन अवार्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसका स्टार स्क्रीन, जी सिनेमा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होते, इवन दो न्यूज़ थी तो हम आपके लिए कवर कर रहे हैं। और बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड मिला है न्यूटन को, ठीक है, बेस्ट डायरेक्शन का दंगल को, और एक्टर का विद्या बालन को, क्रिटिक के लिए कौन-कौन सिंह शर्मा एक्ट्रेस, ठीक है, बेस्ट एक्टर क्रिटिक में राजकुमार राव, ठीक है, फेमस के लिए, पॉपुलर के लिए इरफान खान। तो इतने ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और इनफैक्ट इसकी जो आने की पॉसिबिलिटी वो भी बहुत कम है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, एक प्राइज दिया गया है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, ठीक है, तो ये किनको अवार्ड दिया गया है? अब देखिए, जो इंटरनेशनल पीस प्राइज है, 16 साल के एक सीरियन रिफ्यूजी है, सीरियन, ठीक है, उनको दिया गया है, जिनका नाम क्या है, मोहम्मद अल जॉन, ये इसका सही आंसर है। तो 16 साल के जो सीरियन है उनको ये चिल्ड्रन पीस प्राइज दिया गया है 2017 का, ठीक है, उनके एफर्ट जो थे सीरियन रिफ्यूजी के बच्चों को लेकर, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ में आपको रिसेंटली कल के परसों के पेपर में आपने पढ़ा होगा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2017, ओके, किसको दिया गया है रीडर्स पोल के द्वारा, तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2017 किसका, सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है, ठीक है, उनको रीडर्स पोल का के द्वारा ये खिताब दिया गया है। तो आपका यहाँ पर आंसर है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का 2017 ऑनलाइन रीडर पोल मिला है, 32 साल के 24% वोट मिले हैं। साथ में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, देखिए दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक तो होता है कि ऑनलाइन रीडर्स पोल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो इसमें तो कौन है, सऊदी के जो क्राउन है मोहम्मद बिन सलमान, वो है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सिर्फ रीडर्स पोल है और ऐसा कुछ भी नहीं, तो आपको ध्यान रखना है जो टाइम मैगजीन ने जो पर्सन ऑफ द ईयर का जो खिताब दिया है वो किसको दिया है, साइलेंस ब्रेकर एक मूवमेंट था जो कि चलाया गया था, तो किसके द्वारा चलाया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि साइलेंस ब्रेकर्स के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ये साइलेंस ब्रेकर्स एक कुछ एक लोगों की टीम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था एक मूवमेंट, मी टू मूवमेंट, मी टू, ठीक है, उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। लास्ट ईयर प्रेसिडेंट ट्रंप को, चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग को, ठीक है, इनको भी सेकेंड और थर्ड पोजिशन पर रखा गया है, ओके, और ये जो मूवमेंट था इससे काफ़ी सोसाइटी में चेंज आया है, और इसके लेकर मी टू का था कि जिन जिन के साथ में फीमेल्स के साथ में थोड़ा गलत हुआ है सोसाइटी में, उन सभी को साइलेंस ब्रेक करने को लेकर ये मूवमेंट था मी टू नाम से, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या होगा, डी यहाँ होगा आपका, तो काफ़ी ज़्यादा इसको न्यूज़ में थी है ये जो मूवमेंट था पिछले कुछ टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज आइकॉनिक आइवरी इज द सेकंड बेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू न्यू सर्वे। तो एक नया सर्वे करा गया है किसके द्वारा, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल ट्रिप एडवाइजर के द्वारा, जिसमें यूनेस्को का जो कल्चर और नेचुरल हेरिटेज साइट है, ठीक है, वो बेस्ट, सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिसको बेस्ट वोट किया है वो तो अंकोर वाट है जो कि कंबोडिया में है, और सेकंड नंबर पे ताजमहल को वोट किया गया है।
तो आपका आंसर यहाँ पे ताजमहल है, क्योंकि सेकंड बेस्ट पूछा है, फर्स्ट पूछते तो अंकोरवाट था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कहाँ पर आगरा में है और इम्पॉर्टेंट है। तो नियर बाई 8 मिलियन विजिटर पर ईयर यहाँ पर आते हैं और इसको देखते हैं, जिसने काफ़ी ने इसको अच्छा रिव्यू दिया है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट बॉक्सर टाइटल इन वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन गुवाहाटी। तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग अभी वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, जहाँ पे भारत ने 5 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, गुवाहाटी में हुई थी। यहाँ पे जो बेस्ट बॉक्सर का जो टाइटल मिला है ये किसको मिला है, अंकुशिता। तो अंकुशिता बोरो जो कि एक 17 साल की गर्ल है आसाम से, उनको ये बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला है वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, जो कि गुवाहाटी के अंदर हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में रिसेंटली क्या हुआ है कि फर्स्ट वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल 1995 के बाद में किन को मिला है, आपको बताइए। 1995 के बाद में एक बार हुआ था कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के अंदर कंट्री के लिए पहला फीमेल ओलंपिक मेडल जीता था। उसके बाद में देखिए अब जाके 22 साल में जाके मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो मीराबाई चानू है, ओके। तो इंपॉर्टेंट नाम है और आपको ध्यान रखना है। साथ में अभी कौन से प्लेयर है जिन्होंने नेशनल ऑब्जर्वर से रिजाइन कर दिया गया है इंडियन बॉक्सिंग के, तो रिसेंटली राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कोई भी प्लेयर एज ए ऑब्जर्वर नहीं बन सकता। तो उसके बाद में एमसी मैरीकॉम ने रिजाइन कर दिया है एज ए बॉक्सिंग नेशनल ऑब्जर्वर, ठीक है। पहले बनाया भी इनको गवर्नमेंट के द्वारा गया था और अभी हटाया भी इनके द्वारा ही गया है, ओके। तो एमसी मैरीकॉम ने रिजाइन कर दिया है एज ए नेशनल ऑब्जर्वर। साथ में देखते हैं हम डेथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। रिसेंटली जो शशि कपूर है उनकी डेथ हो गई थी, जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, तो ये कौन से ईयर में मिला है ये आपको बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस अवार्ड के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, देश का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा का, जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड में प्रेजेंट किया जाता है डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा, जो कि ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग करवाती है। तो जो लोग आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंडियन सिनेमा में, उनको इसके लिए सेलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे 10 लाख रुपए शॉल मेडल गोल्डन लोटस, ठीक है, ये सब दिए जाते हैं। पहली बार जब दिए गए थे वो 1969 में दिया गया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, उसके बाद से लेकर आज तक ऐसा हो चुका है कि नियर बाय 43 या 44 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है, ओके। और सबसे पहले जो ये अवार्ड मिला था वो किसको मिला था, देविका रानी को। देविका रानी को सबसे पहला ये अवार्ड था दिया गया था, रेसिपिएंट थी है। और अब तक 47 अवार्डी हैं, टोटल 47 अवार्डी बन चुके हैं इसके, ठीक है। 2015 तक 47 अवार्डी इसके बन चुके हैं, और 2015 के अंदर ही मिला था इनको, शशि कपूर को। तो आपका आंसर भी यहाँ पे सी ही है, ठीक है, 2015 ही है। और दादा साहब फाल्के के बारे में आपको पता है, ये फादर ऑफ इंडिया सिनेमा कहते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि इन्होंने देश की पहली फुल लेंथ पिक्चर फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, कब बनाई थी, 1913 के अंदर, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ओके। 1944 में इनकी डेथ हो गई थी और उन्हीं के बिहाफ पे ये अवार्ड रखा गया। अब देखते हैं बुक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपके लिए सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज रिटन बाय द वेटरन लिरिसिस्ट गुलजार। तो गुलजार के द्वारा कौन सी नोवेल लिखी गई है रिसेंटली, ये आपको बताना है। तो देखिए, गुलजार साहब ने पहली अपनी इंग्लिश के अंदर नोवेल लिखी है और पार्टीशन के ऊपर, जिसका नाम है टू, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है वो यहाँ पे डी आपका सही आंसर है। तो गुलजार साहब हमेशा हिंदी में संस्कृत में इनमें काफ़ी एक्सपर्ट है, लेकिन इन्होंने पहली बार इंग्लिश के अंदर लिखी है। टू ओरिजिनली तो देखिए उर्दू में लिखी गई थी, ठीक है, और लेकिन उसको बाद में फिर इन्होंने डेब्यू किया इसको इंग्लिश के अंदर भी इन्होंने इसको करी। तो यहाँ पे जो पार्टीशन को लेकर है वो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, ओके। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ में GK24 और VOCAB24 को डाउनलोड करना ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरीके से सेकंड वीक ऑफ जो दिसंबर होगा उसका भी मैं आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आऊँगा और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो इसको रिवाइज करिए। साथ में GK24 में आपके लिए इसकी PDF भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।